हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे आलू गोश्त की एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और घर के ही इन्ग्रीडियंट्स से हम इसे बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार बनती है, बनाने में सिंपल और खाने में बहुत ही टेस्टी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और इसे ज़रूर से ट्राई करना। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या क्या लगेगा। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो मटन ले लिया है और ये मटन फैट के साथ है, आप चाहे तो विदाउट फैट भी ले सकते हैं। और इन्हें मैंने धो के अच्छे से निथार लिया है। साथ ही चार टमाटर और तीन प्याज लिया है। चार मीडियम साइज के आलू को मैंने इस तरह से छील के रख लिया है। अब चलते हैं, सबसे पहले मटन को गला लेंगे। उसके लिए मैंने एक कुकर लिया है और इसमें हम मटन को ऐड कर लेंगे। मैं जब भी मटन बनाती हूँ तो उसमें प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ, इससे जो मटन है उसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैंने एक प्याज को इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया है बारीक बारीक और इसे ऐड कर लिया है। आधा चम्मच नमक ऐड कर लिया है, आप टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे। अब कुछ खड़े गरम मसाले जैसे दो छोटी इलायची, दालचीनी, दो से तीन लौंग और एक बड़ी इलायची ऐड कर लेंगे। उसके बाद इसमें ऐड कर लेंगे दो तेज पत्ता, साथ ही साथ इसमें डाल देंगे एक चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट। ये बिल्कुल भी फ्रेशली बना हुआ है और बॉईल करते वक्त इसमें डालने से इसका जो टेस्ट है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और मैं हमेशा ऐड करती हूँ। उसके बाद आधा कप मैंने पानी ऐड किया है, पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना है क्योंकि मटन बॉयल होने के बाद इसमें से भी पानी निकलता है और ये इसी पानी में अच्छी तरीके से बॉयल हो जाएगा। और इन सभी चीज़ों को आप कर लेंगे अच्छे से मिक्स और कुकर का लेड लगा के 15 से 20 मिनट के लिए इसे हम गला लेंगे। 15 से 20 मिनट में ये अच्छी तरीके से कुक हो जाता है, एक सीटी में हाई फ्लेम और 15 मिनट इसे लो फ्लेम पे गला लेंगे। जब तक ये बॉईल होता है तब तक हम इसके लिए एक मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मैंने कढ़ाई गैस पे रख दिया है और कढ़ाई गर्म होने के बाद इसमें हम ऐड कर लेंगे तेल। तेल मैंने सरसों का यूज़ किया है और एक चम्मच यूज़ किया है। आप तेल की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब इसमें ऐड करेंगे हम कुछ खड़े गरम मसाले। तो मैंने आधा चम्मच जीरा ले लिया है, पत्थर के फूल, तीन छोटी इलायची, तीन लौंग, दालचीनी और एक बड़ी इलायची ऐड कर लिया है, दो तेज़पत्ता ऐड कर लेंगे और इसको एक से आधे मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो जैसे ये फ्राई हो जाएंगे इसमें हम ऐड कर लेंगे हमारे प्याज, जिसे मैंने इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया है। देखिए, प्याज की क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो तीन मैंने यहाँ पर ऐड किया है और एक हमने बॉईल के टाइम पे ऐड किया है। तो बस तेल में इसे मिला लेंगे और इसे जल्दी फ्राई होने के लिए आप इसमें एक से दो चुटकी चीनी भी ऐड कर सकते हैं, उससे बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाता है। तो इसमें मैंने ऐड कर लिया है और इसको ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। तो प्याज को फ्राई करते करते मुझे दो से तीन मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं प्याज का कलर बहुत ही अच्छी तरीके से चेंज हो चुका है। तो अब इस स्टेज पे हम ऐड कर लेंगे एक से डेढ़ चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट और इसे मिक्स कर लेंगे एक मिनट के लिए। इसे भी फ्राई कर लेंगे जब तक जिंजर गार्लिक का कच्चापन नहीं निकल जाता है, तब तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे टमाटर। तो टमाटर को मैंने इस तरह से कट कर लिया है, बहुत ही पतला पतला कट किया है और इसे मिक्स कर लेंगे। टमाटर और प्याज की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपको ग्रेवी की कंसिस्टेंसी जितनी चाहिए, अगर आपको बहुत पतला चाहिए तो आप टमाटर कम ऐड कर सकते हैं और प्याज भी। तो अब टमाटर जल्दी से गल जाए इसके लिए हमने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर लिया है और आधी छोटी चम्मच हल्दी ऐड कर लेंगे। आधा ही चम्मच इसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद डेढ़ चम्मच धनिया पाउडर, साथ ही साथ आधा चम्मच मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड किया है और ये ऑप्शनल है, बिल्कुल भी मीट मसाला है एवरेस्ट का और ये मैं एक चम्मच यूज़ कर रही हूँ। इसका मुझे बहुत ही अच्छा टेस्ट मिला था। इससे पहले भी मैंने एक रेसिपी शेयर की है इससे पहले की मटन की, तो उसे भी ज़रूर से वॉच कीजिए, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनी थी मेरी, तो आप उसे भी देख लीजिए। बस इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे ढककर 3 से 4 मिनट के लिए स्लो आंच पे छोड़ देंगे ताकि जो मसाले हैं और टमाटर हैं बहुत ही अच्छी तरीके से मैश हो जाएं। तो देखिए, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से पक चुकी है और तेल भी सरफेस पे आ गया है
और देख सकते हैं मटन भी हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुका है। और इसको अब हम शामिल कर देंगे कढ़ाई में और जो बड़े खड़े मसाले थे उन्हें हम निकाल लेंगे इस तरह से। अब इसमें हम आलू शामिल करेंगे, जो हमने छील के रखा था उसको मैंने दो टुकड़ों में कट कर लिया है। आप चाहे तो उसको हल्का सा शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, उससे भी उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो बस मैं इसे ऐसे ही ऐड कर दे रही हूँ कढ़ाई में और इसे हम कर लेंगे मिक्स। मैंने मटन की बहुत सारी रेसिपी शेयर की है, आप उन सभी को ज़रूर से वॉच कीजिएगा और एक एक करके ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको सभी रेसिपीज़ ज़रूर पसंद आएगी और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कोई सजेशन हो तो भी ज़रूर दीजिएगा। तो बस इसमें मैंने आधा कप पानी ऐड किया है, मुझे ज़्यादा तरी नहीं चाहिए, हमारा मटन ऑलरेडी कुक है, सिर्फ आलू को गलाने के लिए मैंने आधा कप पानी ऐड किया है। आप चाहे तो ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हैं, आपको तरी पतली चाहिए तो बस इसे ढककर मैं 15 से 20 मिनट के लिए और कुक कर लूँगी। 15 मिनट के बाद ये देख सकते हैं और चेक कर लेते हैं आलू हमारा गला है या नहीं। तो इसे चेक करने के लिए मैंने फॉक का इस्तेमाल किया है और देख सकते हैं आलू हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से टेंडर हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे तीखे के लिए 6 से 7 हरी मिर्ची, मिर्ची की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद 1 चम्मच मैंने गरम मसाला ऐड कर लिया है, बस इसे मिक्स कर लेना है और इसे ढककर 3 से 4 मिनट के लिए और पकने के लिए छोड़ देना है, ताकि जो गरम मसाला है और जो हमने मिर्ची ऐड की है उसका फ्लेवर मटन में आ जाए। और 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, तो देख सकते हैं सारे मसाले बहुत ही अच्छी तरीके से कुक हो चुके हैं और मटन आलू वगैरह सारी चीज़ें अच्छी तरीके से पक चुका है। तो ये हमारा ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी आलू गोश्त बनकर हो गया है तैयार। देख सकते हैं मटन भी बहुत ही अच्छी तरीके से टेंडर हो चुका है और ये दिखने में ही बहुत ही लाजवाब और ज़बरदस्त दिख रहा है। तो अब मैंने कर दिया है फ्लेम को बंद, इसे ढककर छोड़ देंगे और 10 मिनट के बाद जब सारे मसाले सेटल हो जाएंगे तो इन्हें कर लेंगे हम सर्व। तो मैंने निकाल लिया है इसे एक सर्विंग बाउल में, देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी हमारा आलू गोश्त बनके हो गया है तैयार। आप इसे खाइए गर्मा गर्म चावल के साथ या फिर रोटी नान या पराठे के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करना ना भूले। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।